हेलो दोस्तों, मैं नूर बाइक रिपेयर। तो दोस्तों, इसमें करंट नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है देखते हैं। दोस्तों, ये स्कूटर जो मैंने खोला हुआ है एडमी LML का, तो दोस्तों इसमें दिखाता हूँ जो भी है कमी आपके सामने है, तो वीडियो करते हो सुनो। तो दोस्तों, ये मैंने इसका प्लग खोल दिया है, करंट नहीं है बिल्कुल भी, करंट कैसे आएगा दोस्तों इसमें देखते हैं। चाबी ऑन है और CDA का सॉकेट भी सही लगा हुआ है, कोई कटी तार तो नहीं कटी हुई, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। तो मेन जड़ में से हम चेक करते हैं, ये निशान होता है, ये निशान अंदर तक होता है, देख लो। स्टिक वाल की तार है, प्रेल काल के चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो करंट नहीं है, तो इसमें ये मेन तारें होती हैं तीनों में से एक तार है जैसे ग्रीन, लाल और वाइट, तो इनमें से कोई ना कोई तार स्टार्टिंग की तो पहले देखना पड़ेगा, जहाँ तो मैग्नेट खोल के अंदर से करंट नहीं आ रहा, तो अंदर से करंट आएगा दोस्तों तभी पता चल पाएगा कि सीढ़ी की सप्लाई जा रहा कि नहीं जा रहा करंट। तो पहले इसका मैग्नेट खोल के देख लेते हैं एक बारी। मैग्नेट खोलने के लिए मेरे पास कूलर तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे निकल जाइए। ये 19 नंबर गोटी है, और ये इसमें लगा देता हूँ मैं इसको ऐसे प्लस, जैसे ये नट खुल जाए हमारा। दोस्तों, हल्का सा लूज छोड़ना मुझे, क्योंकि मैंने लगाना है चोट मार के ये कूलर बाहर इतना। अब करना क्या होगा, एक हथौड़ी लेनी है मैंने और एक गोटी लेनी है, तो हल्के हल्के चोट मार के उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले हमने सामने चोट मार ले, निकल ही गया, मेरे ख्याल से निकल गया। अगर दोस्तों ना निकलता तो मुझे यहाँ पर चोट मार के ऐसे मारने चोट मारनी पड़ती मुझे, ये बाहर निकल जाता, ये आराम से निकल गया। ये देख सकते हैं कितनी जस्ट वगैरह हवा इसके अंदर। ये है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल, अब इसमें चेक करते हैं, ये बाहर देख लेते हैं निकाल के करी मारी, तो तार टूट खराब है क्या, ये सीढ़ी लीकेज से लीकेज नहीं होगी, फट नहीं गई। तो दोस्तों, ये पार्ट टू है, ये अगर इसमें करंट वरंट आ गया तो दोस्तों मैं 3 पार्ट नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इसका करंट आ जाए, कोई गाड़ी स्टार्ट हो जाए, जयराम जी की। इस कोयल को अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें कौन सी तार जा रही है, ये ग्रीन तार जा रही है और वाइट तार अर्थिंग की है मेरे ख्याल से ये वाली, और कोयल तो सही लग रही है, ना कोई फटी हुई है ना कुछ। तो कोयल निकालनी हो तो दोस्तों इसको बिल्कुल ऐसे करके, यदि पत्ती मुड़ी हुई है ना, पत्ती को मोड़ दो, कोयल लग जाएगी। 50 या 60 रुपये कोयल आती है स्टार्टिंग कोयल, और इसको खुद भी डाल सकते हैं उसमें सोल्डिंग करा के। तो एक बारी मैं, अरे ये क्या सीन है, अरे
ये तार कट रखी है यहाँ से। पहले इस तार को जोड़ के कर देख लेता हूँ मैं। फिलहाल इसको मैं ऐसे करके जोड़ के देख लेता हूँ, अगर मेरा इससे काम बन जाए फिर मैं इसका पक्का जुगाड़ करूँगा, क्योंकि इसमें सोल्डिंग वोल्डिंग जा तो कर लेता हूँ। थोड़ी सी टेप मार के इसको एक बारी टेप मार के चेकिंग कर लेते हैं लगे हाथ, इसका फॉल्ट है या फिर कोयल चेंज करानी पड़ सकती है। अगर इससे आ जाए तो बहुत बढ़िया है, तो अगर नहीं आता है तो दोस्तों मुझे कोयल वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। एक और चेक करने में मेरा क्या जा रहा है, कैसे टेप मारा और इसको थोड़ा अंदर डाल दिया इस तरीके से यहाँ पे। ये दोस्तों इसकी पिकअप कॉइल है, दोस्तों ये टाइट कर लिया। एक बार इसका मैग्नेट एक काटर लगी होती है यहाँ पे, इस काटर का निशान यहाँ मिलाना होता है, इसको इस तरीके से किक मार के तो बहुत बैठ गया ये। इसको टाइट करके एक बारी करंट आ जाए दोस्तों। पर मैट टाइट कर दिया मैंने, इस सॉकेट को लगा ही लेता हूँ। दोस्तों करंट आ गया इसके अंदर देख रहे हो, वेस्टी कोर में चेक कर लेते हैं अगर क्या आ गया। दोस्तों करंट आ चुका है बिल्कुल यहाँ पे, तो दोस्तों इसका करंट आ चुका है। दोस्तों ये तो हो गया मेरा यहाँ से करंट का काम। अगर दोस्तों मैं करंट नहीं आता
तो मुझे कोयल चेंज करनी पड़ती। कोयल डालने के बाद करंट नहीं आता तो दोस्तों उसकी वायरिंग पूरी चेक करनी पड़ती मुझे यहाँ से खींच खूँच के। ये सीढ़े की सप्लाई जैसे जाती है दोस्तों, ये चेक करनी पड़ती है यहाँ से नहीं कटकी तार, अगर बाई चांस नहीं आता तो करंट। तो आपके सामने था जो कुछ है खुलासा, आपके सामने दोस्तों हो गया है। और कुछ नहीं है, बस इसका प्लग लगाना है, स्टार्ट करनी है और बाकी इसकी थोड़ी सी सफाई करके अपना गियर बॉक्स वगैरह की सेटिंग वेटिंग करके अपने बढ़िया तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। बाकी गाड़ी ओके है मेरी तरफ से यहाँ से। दोस्तों ऐसी दिक्कत आए तो ऐसे तरीके से कर ले करो, बाकी मैं हूँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों आपके सामने ये जैसा मैंने कर दिया करंट का काम। कभी भी ऐसी दिक्कत आती है LML NV स्कूटर में तो दोस्तों इस तरीके से कर ले करो, किसी से राय ले लिया करो, किसी से फ़ोन से पूछ लिया करो। तो जैसा भी है दोस्तों मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और जवाब देता आऊँगा, क्योंकि इंसान इंसान के काम आता है। जो इंसान टाइम से काम नहीं आया तो इंसान इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत लोगों की मदद करी है, तो मैं चाहता हूँ कोई भी दिक्कत है दोस्तों मैं दिल से हाजिर हूँ। कोई एक सवाल नहीं, दो सवाल नहीं, कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है जो लग जाता है, क्योंकि मैं बातों बातों से कोई चीज़ ऐसी निकल जाती है मुँह से कि बंदा अपने आप सुन लेता है और काम कर लेता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ तक थी, जैसा भी है लाइक शेयर करना दोस्तों, ओके, जिससे मेरा प्यार मोहब्बत आपसे लोगों से बना रहे और ऐसे ही बनता रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।